हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल को लेकर। जैसा कि वीडियो आप देख सकते हैं, एक हीर थी और एक रांझा, ये सॉन्ग टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप इस सॉन्ग पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आने के चांसेस है, क्योंकि इस वीडियो पर 1.7 मिलियन व्यूज आ चुका है। तो आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और दो फोटो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक वीडियो शूट करना है कुछ इस तरह से। वीडियो शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम फाइनली आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद प्लस काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आपको 1 से 2 बार प्ले कर देखना है आपका वीडियो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड को पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो मैं सिंपल मैंने प्ले करके दिखा दे तो वीडियो हमने किस तरह से शूट किया था, सिंपल किस तरह से ऐसे शूट किया कुछ इस तरह से आपको कर लेना है सिंपल। इसके बाद स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे इस पोजिशन में। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ प्ले कराना है, इसके बाद कुछ इस तरह से आपको एडिटिंग कर लेना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को हम स्पीड टू प्ले हिट करते चलेंगे। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ प्ले कराना है, इसके बाद फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको शूट करना कुछ इस तरह से सिंपल। आपको सामने की तरफ आना है, कुछ इस तरह से एक्टिंग करना है और दोनों हाथ से आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो हम कैसे शूट करना है बता देते हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ सेकेंड पार्ट का वीडियो आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग करना है और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकेंड पार्ट। फिर से कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। आप वीडियो ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से करना है और फिर से सेम पोजिशन में आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। तो सेकेंड पार्ट का वीडियो हमारा शूट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको स्लो मो देना है यहाँ से। तो आपको सिंपल स्पीड टू प्ले हिट करते हैं और इस वीडियो को हम स्लो मो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पीड 0.5 कर देते हैं और इस पार्ट में भी मैम यहाँ का सीन का 0.5 कर देते हैं, ठीक है। हमारा वीडियो यहाँ पे स्लो मोशन हो चुका है। तो फाइनली हम प्ले करेंगे तो आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, सिंपल आए। इसके बाद कुछ इस तरह से किया, इसके बाद आपका वीडियो स्लो मोशन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट पोजिशन में आता है, हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद इस पार्ट को हम डिलीट करते हैं। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने गूगल से एक स्काई कलर को डाउनलोड किया हूँ तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसे जूम करना है जहाँ तक आपका स्काई दिख रहा है, जैसे कि जो देख रहे हैं बादल दिख रहा है कुछ इस तरह से। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देख लेना है मल्टीप्ले हो गया ओवरले हो गया, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसे डन करते हैं और इसको आपको फुल स्क्रीन में कर देना कुछ इस तरह से। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इस पोजीशन में आपको लेकर आ जाना है, ध्यान रखना है काफ़ी ध्यान से आपको। इसके बाद कुछ आगे की तरफ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिलीट के ऊपर एक की का ऑप्शन मिल जाता है, की पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से लास्ट तक आपको लेकर आ जाना है यहाँ तक, ठीक है। और इस पर इसे आपको पकड़ना है कुछ इस तरह से, आपको यहाँ तक आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद इसे हम डन करते हैं। तो फाइनली जब आप प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से प्ले होगा, जैसे कि लग रहा है आपसे कि आपका स्काई कुछ इस तरह से चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, लग रहा है आपको स्काई यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, कुछ इस तरह से जैसे ही किया तो इस पोजीशन में आना है आपको और एक देख सकते हैं जो हमें स्काई भी सेट किया था सही से सेट नहीं हुआ है। आपको करना क्या, ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे ऑपेसिटी है कुछ इस तरह से हल्का कम कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 इमेज का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट इमेज के मैंने कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे और नीचे का पार्ट जो हमारा एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम कुछ इस तरह से क्रॉप कर देते हैं। इसके बाद डन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इसे जूम कर देना है। नीचे की तरफ आना है, ब्लेंडिंग पे आना है और आपको सिर्फ से हमें ओवरले हो गया, मल्टीप्ले हो गया, स्क्रीन हो गया, कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या सेट करता है, यहाँ पे सॉफ्ट की हो गया, सॉफ्ट लाइट को सेलेक्ट कर लिया, कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद सिंपल था, हम जब कुछ इस तरह से आपका वीडियो फर्स्ट पार्ट का देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, इस तरह से मैंने किया और यहाँ से देख सकते हैं लग रहा है हम फिर से स्टारा कर रहे हैं, फिर से इस पोजीशन में आएंगे और सेकेंड पिक का लिंक मैंने दे रखा हो डिस्क्रिप्शन में, तो सेकेंड को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको कुछ इस तरह से इनेबल करना है और कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है। तो मैं आपको क्रॉप करके दिखाता हूँ,
शेप में यहाँ पर सेलेक्ट गलती हो गया था, कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले हो गया, ओवरले हो गया, ओवरले कर देता हूँ, कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको साउंड को सेलेक्ट कर लेना है। साउंड को सेलेक्ट कर लिया हो मैंने, इसके बाद कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देंगे। इसके बाद वीडियो पे आपको करने को, इसके बाद करना आपको क्या है, स्टार्ट लास्ट पॉइंट पे आना है। लास्ट का एक किस पार्ट है आपको यहाँ से कट करना है, जैसे कि आपको, जैसे कि मेरे गांव जो बोलते हैं तो गांव का सीन आ जाता है, ये गांव का सीन आपको यहाँ से स्पीड टू प्ले हिट करना है और इस वीडियो को लास्ट पॉइंट पर लेकर आ जाना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद इसे हम फुल स्क्रीन में कर देते हैं और इस वीडियो को हमारा काम हो चुका है, इसे हम डिलीट करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको काफ़ी ध्यान से इसको आपको एडजस्ट करना है, काफ़ी ध्यान से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑडियो जो है यहीं तक ख़त्म हो रहा है। इस वीडियो में आपको ये जो सीन गाँव का सीन दे रहा है वो भी आपको इसमें दिखाना है कुछ पार्ट, तो आपको देखना है आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ पार्ट इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना होगा। हम दिखाते हैं कहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है, कुछ पार्ट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है इसमें, तो इसमें हम ट्रिम टू राइट करते हैं इसे। अब देख सकते हैं हमारा गांव का भी सीन इसमें कुछ आ गया, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट का पार्ट जो एक्स्ट्रा है, ट्रिम टू राइट करते हैं। तो मैं आपको सॉन्ग को प्ले करके दिखा देते लेकिन मैं आपको कॉपीराइट के कारण नहीं दिखा सकता हूँ। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो का साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।